इधर अरुण जेटली का हुआ निधन। उधर श्रीनगर से वापस आते ही बड़क उठे राहुल, बोले कश्मीर में नमस्कार। जम्मू कश्मीर में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35 ए खत्म कर ऐतिहासिक फैसला लिया है। यहां फैसले से न सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बल्कि भारत में भी अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे कई दिग्गज नेता हैरान रह गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस फैसले का विरोध तो किया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के निधन से पूरा देश शोक में डूब गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद विपक्षी दलों के नेताओं के साथ श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचे थे लेकिन उन सभी को ना तो किसी नेता से मिलने दिया गया और ना ही हवाई अड्डे से बाहर निकलने की अनुमति दी गई। सभी विपक्षी नेताओं को सुरक्षा बलों की मौजूदगी में VIP लाउंज में बिठाया गया था जिसके बाद उन्हें दिल्ली वापस भेज दिया गया। श्रीनगर से वापस आते हुए राहुल गांधी भड़क उठे। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, अभी कुछ दिन पहले मुझे राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। हम जाना चाहते थे कि कश्मीर के लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं लेकिन हमें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति ही नहीं दी गई। ये स्पष्ट है कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम हर रोज ऐसी आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।